विधानसभा की शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और पहले दिन प्रोटेम स्पीकर नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। तो सत्र को देखते हुए शहर की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से रिजर्व बल भी बुला लिया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान शहर में 600 जवान तैनात रहेंगे जो शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रखेंगे। इसी के साथ ही विधानसभा जाने वाले रास्तों में भी पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों की बैठक रायपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी और आईजी इंटेलिजेंस आनंद छाबड़ा ने यह बैठक ली और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। संसद भवन में हुई घटना के बाद एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो सत्र की शुरुआत आज जो छत्तीसगढ़ में हो रही है बेहद खास, चूंकि खास इसीलिए नव निर्वाचित जो विधायक हैं वो सभी आज शपथ ग्रहण करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बाकी सभी तैयार हैं। तो आज से विधानसभा का विशेष सत्र 3 दिन के लिए शुरू हो रहा है और 3 दिन तक ये सत्र चलेगा। 19, 20, 21 दिसंबर ये शीतकालीन सत्र। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो नव निर्वाचित विधायक हैं उनको शपथ दिलाया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर उन्हें शपथ दिलाएंगे। इसको देखते हुए शीतकालीन सत्र के मद्देनजर 600 जवानों की तैनाती की गई है विधानसभा के आसपास। संसद की घटना के बाद जिस तरीके से संसद की सुरक्षा में चूक देखने को मिली उसके बाद और भी ज्यादा एहतियात के तौर पर कई जवानों को तैनात किया गया है। 3 दिन का ये विशेष सत्र होगा और तीनों ही दिन बेहद खास, सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम। पूरी राजधानी की ही सुरक्षा को कड़ी की गई है, राजधानी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर क्या कुछ किया गया वो आपको बता रहे हैं। कई जिलों के पुलिस को बुलाया गया है, यहां पर वो तैनात रहेंगे। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। तनु, आज क्योंकि सत्र की शुरुआत है आज से ही, 3 दिन तक ये सत्र चलेगा, पहला दिन हालांकि नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाया जाएगा, बाकी के दिन कितने खास होंगे? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के छठवें विधानसभा का पहला सत्र जो आज कड़ी सुरक्षा के बीच प्रारंभ होगा। लोकसभा की सुरक्षा में हुई चूक के बाद राज्य में विधानसभा की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और 3 दिनों के इस विधानसभा सत्र में विधानसभा परिसर में जो है 600 से अधिक जवान जो है वो तैनात रहेंगे साय सरकार के। वहीं सूत्रों के मुताबिक साय सरकार के इस 3 दिन के शीतकालीन सत्र में 10,000 करोड़ का अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाएगा जिसमें 3 योजना जो है वो शामिल होंगे और इसमें किसानों को 2 साल का बकाया बोनस के लिए 2,500 करोड़, इसके साथ ही पीएम आवास योजना के लिए 3,000 करोड़ और महतारी वंदन योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया है। इसके साथ ही आज पहले दिन इस सत्र में 90 विधायकों को जो है शपथ दिलाया जाएगा। रामविचार नेताम जो है इनको शपथ दिलाएंगे और इसके बाद नामांकन विधानसभा अध्यक्ष के लिए एक ही नामांकन फॉर्म होने के कारण डॉक्टर रमन सिंह को निर्विरोध जो है विधानसभा अध्यक्ष जो है वो चुना जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सुरक्षा के लिए तो एक खास इंतजाम किए ही गए हैं। इसके बाद ही विधायकों के स्वागत के लिए विधानसभा परिसर को एक खास तरीके से जो है सजाया गया है। विधानसभा चौक का नए रूप से जो है सौंदर्यीकरण वो है उसके साथ किया गया है। वहीं विधानसभा सत्र के आज पहले दिन में 90 विधायकों को जो है शपथ दिलाई जाएगी। वहीं कल की हम बात करें तो कल राज्यपाल का जो है अभिभाषण होगा और इसके बाद और जो भी शासकीय कार्य जो है वो वहां पर किए जाएंगे। जी वाकई वाकई तनु, नई सरकार का ये नया सत्र बेहद खास रहेगा, इंतजाम भी खूब हैं। यहाँ पर जानकारी इस बारे में भी दीजिए तनु कि आखिर जो विपक्ष रणनीति बना रहा है, रणनीति के तहत सत्र में पहुँचने की तैयारी कर रहा है, किस तरह की रणनीति होगी, क्या लगता है, किसी बातों पर घेरा जाएगा क्या? जी बिल्कुल, देखिए साय सरकार का ये जो शीतकालीन सत्र है वो बेहद ही खास होने वाला है और इसमें विपक्ष के द्वारा भी जो तमाम मुद्दे हैं वो इस सत्र में जो है उठाए जाएंगे। विपक्ष लगातार अभी तक कहते आ रहे हैं कि जनता से जुड़े मुद्दों को वो इस बार विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र में उठाएंगे और आगे ये देखने वाली बात होगी कि अब वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के द्वारा यहाँ पर सत्र में उठाए जाएंगे। बाकी तो इंतजार करना होगा कि विपक्ष कब मुद्दे उठाएगा, हालांकि अभी नहीं चूंकि नवनिर्वाचित विधायक हैं उन्हें शपथ दिलाने का सिलसिला भी आज रहेगा और बाकी 2 दिन भी इसी सब में निकल जाएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए जानकारी को साझा करने के लिए तनु। आगे बढ़ेंगे
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में हार पर अभी भी रार जारी है। हार का जिम्मेदार कौन है ये कांग्रेस अब तक पता नहीं लगा पाई है। और अब नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का एक बयान सामने आया। नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों के भ्रष्टाचार को कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार बताया, यानी चरणदास महंत के कबूलनामे ने कांग्रेस में भ्रष्टाचार होने की बात पर मुहर लगा दी। एक रिपोर्ट इसी पर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार को कांग्रेसी भुला नहीं पा रहे। समय समय पर सत्ता जाने का दर्द उभर ही आता है, कभी अपने जिम्मेदार तो कभी बागी। अब नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का एक बयान सामने आया है जिससे सियासी माहौल गर्म हो गया है। दरअसल चरणदास महंत ने अधिकारियों पर हार का ठीकरा फोड़ा है। चरणदास महंत ने कहा कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस की हार हुई। अति उत्साह में सरकार जनता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी समझ नहीं पाई। कवर्धा समेत अन्य घटनाओं के कारण सरकार के खिलाफ माहौल बना। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारे सरकार के प्रति आक्रोश था, कोई चूक हो गई होगी हमारे योजनाओं को शामिल करने में, मगर जिस ढंग से हमने लोगों को अपने घोषणा पत्र के माध्यम से इतने सारे छूट देने का वादा किया था उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया, ये भी ऐसा लगता है कि हमारी चूक कहीं बड़ी थी। और जिस तरह से उन लोगों ने अनावश्यक आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप, आईबी के आरोप, सीआईडी, दुनिया भर के, उसका असर कहीं न कहीं हमारे गरीब लोगों में, हमारे आदिवासियों में पड़ा है। चरणदास महंत के बयान से एक बात तो साफ हो गई कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, अब कैसे हुआ ये बड़ा सवाल है। उधर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के इशारे पर अधिकारी काम कर रहे थे। अब वो इसके संदर्भ में भूपेंद्र बघेल जी देखेंगे कि वो इसके संदर्भ में उनका क्या वो है, किस कारण से वो हारे। और जहां तक यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत किया और पिछले 5 वर्षों में कोरोना काल में भी घर से निकलकर काम किया और कांग्रेस की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया। चरणदास महंत के कबूलनामे से कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। इस बयान का मतलब है कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ और नतीजा था कि जनता ने भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खबर दुर्ग से है जहां बघेल ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग तक कर दी है। तो ईवीएम पर अविश्वास बढ़ा है ऐसा पूर्व सीएम बघेल का कहना है और लगातार कांग्रेस इस पर बात करती भी आई है और जब से परिणाम आए हैं तब से कहीं ना कहीं आरोप और ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं। बघेल ने ईवीएम पर सवाल उठाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उनके द्वारा की गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। भाई ये है कि जो चर्चाएं हो रही है उसमें लोगों को विश्वास नहीं है मशीन के अंदर है क्या, क्योंकि कई जगह ये है कि हम वोट डालें हमारा वोट गया कहाँ, हमारे पूरे परिवार के वोट डला है लेकिन उतना वोट मिला नहीं है, कहीं जगह कुछ ज़्यादा आ रहा है, कहीं जगह मशीन खराब होने की शिकायतें मिल रही है। तो ऐसे में जब लोगों के शिकायतें हैं और एक अविश्वास पैदा हो रहा है तो होना यही चाहिए कि इसको एक बार कम से कम मत पत्र से मतदान कराना चाहिए। छत्तीसगढ़ में स्थायी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। राज्यपाल ने नए मंत्रियों को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाएगी। संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आ चुकी है और इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में मंत्रिमंडल पर मंथन हुआ जिसके बाद संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आई है। इस लिस्ट में 12 नाम हैं जो मंत्री बनाए जा सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल रायपुर संभाग से आने वाले सामान्य वर्ग का चेहरा, 8वीं बार विधायक बने हैं, रायपुर दक्षिण से विधायक बने हैं। अजय चंद्राकर संभावित मंत्रियों में ओबीसी चेहरा जो कि रायपुर संभाग से आते हैं, कुरूद विधानसभा से ये विधायक हैं। पुरंदर मिश्रा संभावित मंत्रियों में रायपुर संभाग से आने वाले सामान्य वर्ग का चेहरा, रायपुर उत्तर से विधायक हैं और पहले ओडिया विधायक बने। ओपी चौधरी संभावित मंत्रियों में ओबीसी चेहरा, बिलासपुर संभाग से आने वाले नेता, 23 साल की उम्र में आईएएस बने थे। ओपी चौधरी आईएएस के पद से इस्तीफा देकर राजनीति में आए और रायगढ़ से विधायक हैं। धर्मलाल कौशिक संभावित मंत्रियों में ओबीसी चेहरा, बिलासपुर संभाग से आने वाले नेता,
बिलहा से विधायक हैं, पूर्व अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। कांग्रेस के सियाराम कौशिक को इन्होंने हराया। केदार कश्यप संभावित मंत्रियों में आदिवासी चेहरा हैं। बस्तर संभाग से आने वाले नेता नारायणपुर से विधायक हैं। तीनों कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री भी रहे, नारायणपुर से विधायक हैं। लता उसेंडी बस्तर संभाग से आने वाले आदिवासी महिला चेहरा, कोंडागांव से जीत कर आई हैं। कांग्रेस के मोहन मरकाम को इन्होंने 18,572 वोटों से हराया। राम विचार नेताम सरगुजा संभाग से आने वाले आदिवासी एसटी चेहरा रामानुजगंज से चुनाव जीते, इन्होंने अजय तिर्की को हराया। गोमती साय संभावित मंत्री में सरगुजा संभाग से आने वाली आदिवासी महिला एसटी चेहरा पथलगांव से चुनाव जीती और राम पुकार सिंह को हराया। डोमन लाल कोरसेवाड़ा संभावित लिस्ट के आधार पर बात करें तो बीजेपी हर संभाग से एक दो या तीन विधायकों को मंत्री बना सकती है, लेकिन असली तस्वीर तो मंत्रिमंडल के गठन और शपथ के बाद ही साफ होगी। रिपोर्ट न्यूज 18। खबर रायपुर से, जहां नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और सीएम साय के निर्देश पर अभियान और भी ज्यादा तेज हो गया है। दंतेवाड़ा से 10 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की कोशिशें लगातार जारी है। नक्सली गिरफ्तार भी हुए हैं। दंतेवाड़ा से 10 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। बीजापुर से एक नक्सली गिरफ्तार हुआ है। जवानों का सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। तो नक्सलियों की गिरफ्तारी लगातार हो रही है, जो कई लंबे वक्त से वांटेड थे और अब जाकर के उनकी गिरफ्तारी हो रही है। इनाम भी लंबे वक्त से कई सारे नक्सलियों पर घोषित था और अब ये बड़ी जानकारी कि 10 नक्सली जो है गिरफ्तार हुए हैं, कई सारी घटनाओं में शामिल थे। नक्सल ग्रस्त अभियान के तहत ग्राम हुर्रेपाल बेचापाल के जंगल में कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखे, जो कि भागने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें फोर्स के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। और अब बात दुर्ग जिले की, जहां बाइक के फ्यूल टैंक पर लड़की को बैठाकर फर्राटे भरते आशिक का वीडियो सामने आया। युवक नेशनल हाईवे 53 पर अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक के आगे बैठाकर रायपुर से भलाई की तरफ जा रहा था। उस युवक ने बाइक के आगे फ्यूल टैंक पर लड़की को बैठाया था। लड़की उसकी बाहों में बाहें डाली बैठी थी और लड़का तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था। फिल्मी अंदाज में रोमांस करते हुए सड़क पर दोनों मौज मस्ती करते हुए दिखाई दिए। दुर्ग ट्रैफिक पुलिस ने चलती बाइक पर इश्क फरमाने वाले युवक का 4,000 का चालान काटा और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। युवक मैकेनिक है और कस्टमर की बाइक से गर्लफ्रेंड को घुमा रहा था। ये तस्वीरें दुर्ग की बेहद ही दिलचस्प। ये तस्वीरें दुर्ग की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फ्यूल टैंक पर गर्लफ्रेंड को बैठा करके युवक घूमता हुआ नजर आ रहा है। और छत्तीसगढ़ की हम बहुत सारी तस्वीरें देखते हैं, स्टंटबाजी की तस्वीरें। ये भी कुछ एक तरह का स्टंट ही है जो युवक द्वारा किया जा रहा है और अब जो है संज्ञान ले लिया गया है, कार्रवाई भी हुई है। बलरामपुर जिले में बीते 10 दिनों से 40 हाथियों का दल घूम रहा है। ऐसे में वन अमला एक्टिव मोड में है। हाथी प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों को जंगलों में नहीं जाने दिया जा रहा है। हिदायत दे दी गई है कि वो ना जाए। इसके साथ ही हाथियों के कारण हुए नुकसान के क्षतिपूर्ति का आकलन भी किया जा रहा है। बीते दिनों गन्ने के खेत में करंट की चपेट में आने से हाथी के मौत के मामले में खेत के मालिक पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि राजपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम धुप्पी से सटे जंगलों में 27 और रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के ग्राम छतवा से सटे जंगलों में 13 हाथियों का दल घूम रहा है और हाथियों के दल के घूमने की वजह से गांव वालों को अलर्ट पर रखा गया है। हाथियों का दो दल विचरण कर रहा है, एक राजपुर परिक्षेत्र में धुप्पी के आसपास है और एक रामानुजगंज में छतवा के आसपास है। एक दल में 27 हाथी है और एक दल में 13 हाथी है और ये लगभग पिछले 10 दिनों से ये जो ग्रुप है विचरण कर रहा है और चूंकि गन्ना का फसल लगा हुआ है तो खेतों में भी जा रहा है और एक आधे घर भी तोड़ा है। जहाँ का नुकसान जो पहुंचाया गया है उसमें मीमांसा कर।
देश की सियासत में तीन बड़े विवाद, तीन बड़े धार्मिक स्थल और तीन जगह तेजी से बदलते घटनाक्रम अब लोकसभा के सियासी रण में कदम कदम पर सुनाई देने लगे हैं, क्योंकि अयोध्या, काशी और मथुरा से 24 की मोर्चा बंदी की तैयारी पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। मथुरा और ब्रज भी विकास की इसी दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। काशी ज्ञानवापी विवाद में सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। मथुरा की शाही ईदगाह विवाद में सर्वे से समाधान होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण आखिरी पड़ाव पर है, यानी एक साथ तीन तीन मोर्चे, वो भी सनातन का, हिंदुत्व का और अपने अपने दायित्व का। ये तस्वीर गवाही दे रही है कैसे 24 का मंच तैयार हो गया है, कैसे पल पल में घटनाक्रम बदल रहे हैं और कैसे तेजी से तीन शहर, तीन विवाद अब सियासत के केंद्र में एक साथ दाखिल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के लिहाज से इतनी बड़ी बुनियाद और क्या हो सकती है। भाई और बहनों, गुलामी के कालखंड में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहले हमारे प्रतीकों को ही निशाना बनाया था। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण आवश्यक था। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव मजबूत होता। पीएम मोदी आज काशी में थे और सबसे बड़ी खबर वहीं से आई जब ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। ज्ञानवापी में 100 दिन से अधिक चला सर्वे, करीब 1500 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश। रिपोर्ट में सर्वे से जुड़े 250 तथ्य भी शामिल। 21 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट को लेकर सुनवाई। उधर सर्वे रिपोर्ट पेश होने के बाद हिंदू पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट अच्छी होगी। उधर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में मांगा कि सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए। एएसआई ने अपनी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए रिपोर्ट फॉलो की है। जी जी, तो अभी देखते हैं क्या रिपोर्ट आई है, एक बार समझते हैं, देखते हैं उसको। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या रिपोर्ट आ सकती है, आज की रिपोर्ट में क्या हो सकता है? देखिए, ये तो कोई नहीं आकलन लगा सकता है कि रिपोर्ट में क्या होगा, जब तक कोई रिपोर्ट नहीं है। हम जानना चाहेंगे भैया। नहीं, मुझे उम्मीद यही है कि जो सच्चाई थी 90 दिन की, वो सच्चाई उस रिपोर्ट में लिखी होगी और हम लोग जब रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसका पूरा अवलोकन कर पाएंगे। अचानक उसके पहले मुस्लिम पक्ष ने डाल दिया, क्यों घबराहट है मुस्लिम पक्ष को? सार्वजनिक करने से रोक लगाई है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को सील कवर में फाइल करने के लिए ना कहा है, ना वो रिपोर्ट एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। तो इसीलिए जो रिपोर्ट फाइल हो रही है उसको हम लोग देखेंगे कि उसका क्या, उसको अवलोकन करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे। यानी अब सबकी नजर ज्ञानवापी के सर्वे रिपोर्ट पर जा चुकी है, तो दूसरी तरफ मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे पर भी कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। यानी जिस सर्वे रिपोर्ट से अयोध्या का समाधान हुआ, अब उसी सर्वे से पहले ज्ञानवापी और फिर मथुरा का समाधान होना तय माना जा रहा है। यानी तीन धाम, तीन मंदिर और तीनों हिंदू आस्था के प्रतीक 24 का चुनावी एजेंडा बन चुका है, क्योंकि तीसरी बार भी बीजेपी रिकॉर्ड जीत का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए 8 बजे की ताजा खबरें।